आ गया ये अनुज। ओ भाई ओ हैं ये भी फाड़ गए भाई। वो भाई उतरी गया तो सारा तोड़ दिया यार। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई अलवादी और आप देख रहे हैं अलवादी व्लॉग। तो गाइस डेविल की हमने रनिंग प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा करा दी, आज उसकी ग्रिपिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो वो सो रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो कि कैसे घूर रहा है, कितना टाइम हो रहा है। सो गाइस ये टायर और ये टीप लेके आया हूँ और इसको यहाँ पे बांधा हुआ है। अभी से इसने कैसी ग्रिप लगा ली। तो इस डेविल का रस्ता तो बांध दिया लोहे के पाइप से और भाई ये इतना मजबूत है कि मेरा भी वजन संभाल लेगा। इस हड्डी हटा के यहाँ पे बांध दिया गाड़ी की टीप, अभी देखते हैं इसकी कैसी ग्रिप लगती है यहाँ पे। सो गाइस कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा है, अभी इसे खोल देता हूँ। खोल दो। सो गाइस देखो इसे छोड़ नहीं रहा था तो मेरे को ही पकड़ने लग गया। देखो भी कैसे खींच रहा है। ये लोहा देखो कितना मजबूत है भाई और फिर भी आवाज कर रहा है ये। गाइस अभी इस डेविल को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊंचा बांध देता हूँ, फिर देखते हैं जंप लगा के पकड़ पाता है नहीं। ये देखो भाई कितना लगा रहा है। डेविल पीछे पीछे छोड़ छोड़। ये देखो भाई हवा में पैर, ये नहीं मान रहा भाई कैसे लोग लगा रखा। देखो छोड़ दे छोड़ दे। गाइस ये देखो इसकी हाइट कितनी ऊंची कर दी थी। ओह भाई ओह भाई ये देखो। पहले दिन की ट्रेनिंग काफी मस्त गई, इसकी ऐसी मस्त मस्त ट्रेनिंग कराते रहेंगे। तो अभी मैं नहा धो लेता हूँ, खा पी लेता हूँ और फिर चलते फ्लैट पे। मोहित और विवेक के पास कुछ काम है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा आगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। महाराज तो थक चुके हैं, इसकी खाट बिछा दी, अभी आराम से धूप में बैठ जाएगा। ऊपर बैठ बैठ जा आराम से धूप में। फिर मैं भी चलता हूँ, नहा धो लेता हूँ, खाना पीना खा के और फिर मिलते हैं आपसे, फ्लैट पे चलते हैं भाई। अभी काफी लोग पूछ रहे हैं वीडियो लेट होने का रीजन क्या। तो भाई वीडियो लेट होने का रीजन मेरे पेपर चल रहे हैं और भाई आप कॉलेज का व्लॉग देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कॉलेज का व्लॉग भी बना लूंगा भाई। ओहो काम वाली भाई। क्या ले शर्मा गया तू तो। ओए होए शर्मा गई का। तो क्या बीड़ी पिएगी। तो पी ली थी, अभी ठंड लग रही थी भाई, कंबल में बैठ गया। चीज दिखाता हूँ तो मैं इधर आओ देख। गाइस आपको भी एक चीज दिखाता हूँ, ये अरुण केजरीवाल नाम की आईडी थी, फॉलोअर खोलता तो कोई नहीं आता, नो यूजर्स फाउंड, जीरो फॉलोइंग। अभी मैसेज क्या कर रखा है इसने मेरे पास, ये देखो। देखा भाई, हेलो, मेरे एक बंदे को तूने पकड़वा दिया तो क्या हुआ, अब उसका हिसाब तो होगा ही होगा, बेटे बच के रहियो। यार ये क्या है यार, या फिर दबा दम क्या। अब क्या ये परचून वाला है हिसाब करेगा। कौन है यार ये, क्यों भेज रहे हैं ऐसे मैसेजेस। तो ये तो मेरे ख्याल से किसी नाम की आईडिया रखी थी इसलिए आपको दिखाई, वरना बिना नाम की वाली तो काफी ज्यादा पड़ी हुई है। जो पिछली बार आई थी उस पर तो कुछ नाम ही नहीं था, और काफी ज्यादा पड़े हैं उन पे भी, कोई भी नाम नहीं है भाई। बजने वाले हैं टाइम भाई, 8 बजने वाले हैं। हाँ। क्या सीन है फिर, तू बता क्या करना है। क्या करना है, हिसाब करना है इसका, हिसाब करना है। एड्रेस थोड़ी ना दे रखा है। एड्रेस क्या है इनका, वो ये इनका अड्डा मेन। पंगे ले रहे ना भाई मैसेज कर करके। अब इस टाइम पे तो जाना बेकार है यार, क्योंकि रात हो गई है। एक काम कर दो, चल लेते भाई। यार सुन नहीं भाई, अब हमने डिसाइड करा था कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, मजाक से हटके भाई। नहीं यार इस टाइम पे तो रहना यार, कल चले फिर सुबह सुबह। सुबह तो हो चुकी है और मैं भी हाथ मुंह धो के रेडी हो चुका हूँ भाई, नहाने वाने का टाइम नहीं है क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब हो रखा है। ये देखो भाई हर जगह धुंध ही धुंध है। तो जल्दी से अभी मैं कॉफी और ऑमलेट खा के निकल लेता हूँ, और विवेक भी वेट कर रहा है भाई, उससे मिलके फिर सबको बुला के चलते भाई उस अड्डे पर, देखते कि भाई क्या सीन होता है। ये देखो क्या हालत हो रखी है भाई, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो अभी बाइक कितनी पास आई, जब जाके दिखाई दिया भाई, अभी कैसे पहुंचूंगा मैं। वो भाई अभी सीन हो जाता है, मेरे को लगा कि सामने से दो बाइक आ रही है, पर वो पूरा बड़ा टेम्पो था, अभी उनके बीच में से निकालने के चक्कर में उसके अंदर ही मार देता। सो गाइस गाड़ी तो लगा दी है,
और विवेक जिम में होगा अभी, गाइस फोन नहीं उठा रहा अभी, उसको बताता हूँ अंदर जाके। जैसे इसे बताया नहीं कि अड्डे पे जाना है, पहले जिम में आके पहले बॉडी बना रहा भाई, चोर इसकी दही ना तोड़ दे। बस बस ज्यादा गुस्सा नहीं, धुंध तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही यार, धुंध की वजह से रुका हुआ मैं भी, वरना भाई अभी जाके उनका मैं कचोपड़ निकाल देता। मोहित के पास मैंने इतनी कॉल कर लिया, फोन ही नहीं उठा रहा भाई, फोन ही नहीं उठा रहा, पता ही नहीं चल रहा, वो सो गए नहीं उठा हुआ, डर गया भाई, डर गया। भाई मोहित के पास में काफी देर से कॉल कर रहा था, उसने कॉल ही नहीं उठाई। एक और पहलवान आ गया हमारा, ये देखो भाई कब्जे वब्जे, चलना ही पड़ेगा यार। लाइट उसमें कौन लाइट है ना, तो कुछ दिख नहीं रहा ना, इसलिए मैं लाइट उठा लाया। बिल्कुल चुप, क्या मस्त जोक मारा ना। सो गाइस अभी सीधा उस रास्ते पे चलते हैं भाई, और ये देखो इस रास्ते पे तो और भी ज्यादा धुंध है यार, यहाँ पे तो खेती हो रखी है ना, ये खेती किसने कर दी, फिर क्या करे, फिर आगे चले, क्योंकि इनका एक आगे भी तो है ना, जहाँ पे हम आगे वाले पे, अरे वो खंडर वो ज्यादा वैसा है भाई। भाई ये देखियो पेड़ काट के रास्ता रोक रखा आगे, तो बहुत बड़ा पेड़ नहीं है ये, तो भाई उठेगा नहीं, उठेगा ही नहीं, अब तो वापिस जाना पड़ेगा, चला ले में तो कुछ दिख भी नहीं रहा, बाहर आके देखना पड़ेगा। तो भाई जब अड्डे से आगे वाले खंडर वाले रास्ते पे आए हैं, और ये देखो भाई दूर दूर तो कुछ नहीं दिख रहा, ये चीज है आगे दो चार खंडर और बने हुए हैं, बड़ी अजीब सी सी वो है जगह है ना, बिल्कुल दिख नहीं रहा कि कहाँ से रास्ता है कहाँ से नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी काफी जगह से रास्ते आ रहे हैं भाई, नशे वशे कर रखे, दारू की बोतल्स वगैरह पड़ी हुई यहाँ पे, अलग सा ही माहौल है यहाँ का भी। अरे तू कहाँ जा रहा है, धुंध की वजह से कुछ दिख तो नहीं रहा यार, इसमें तो मंदिर है यार अंदर, देखियो छोटा सा मंदिर है वो भाई, उधर तेल के कैन पड़े हैं, तो अब पता चला वो आग कैसे लगाते थे। अच्छा ओ भाई ये तो भरे हुए, विवेक देखियो भाई तो भरा हुआ, ये देख इतना तेल निकला हुआ है, क्या सीन है यार, ये करते क्या है तेल का भाई साहब, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ कैन पड़ी हुई है भाई, और अभी तो एक कमरा और है यार। अरे देखो गाइस यहाँ पे मंदिर मंदिर भी बना रखा है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो खाली है। ओए ये देखियो ये क्या है, गड्ढे बना रखे और इनके अंदर सामान सा पड़ा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ में तो छुपोते हैं यहाँ पे लागे, क्योंकि यहाँ पे किसी को शक नहीं होगा ना। ये देख कितने गड्ढे बने हुए विवेक, ये देख एक और यहाँ पे, एक और यहाँ पे, आवाज सी आ रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ये खोखला है ना, हिल रही है ज्यादा तेज मत मार भाई। तो दूसरे कमरे में इतनी सारी तेल की कैन पड़ी हुई है, और इस वाले कमरे में देखो भाई ये सारे जगह इतने ज्यादा छेद बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है इसके नीचे कुछ खाली जगह बना रखी होगी। इसके पीछे देखते हैं भाई क्या कुछ सीन है, इसके पीछे भी एक कमरा है यार। ओ भाई हम जब इसके पीछे की तरफ से आए थे जब कुछ नहीं था, ये यार इसका फिर गेट कहाँ से है, ये देख आगे चल, कैसे बिल्कुल नहीं देख, आवाज अनुदे ये क्यों आ गया, ये अनुदे ओ भाई ओ यार ओए ओए हाथ में लग गया, ये तोड़ दिया गाइस सारा। यार ये क्या बकवास है यार, यार हाथ में ये लगी, इसकी हाथ में पिन लगी यार, सारी तोड़ दी पीछे से। हाँ भाई कहाँ भाग के गया था तू भाई, और ये क्या सीन है, तोड़ रखा सारा, उन्हीं ने तोड़ा भाई, दो बंदे थे हैं उन्हीं के पीछे भाग के गया था मैं अभी, पकड़े नहीं गए वो। अरे यार ये डंडे वंडे उन्हीं के हैं ये। हां भाई ओ यार मेरे को आवाज आई थी तभी मैं इधर आया था भाग के यार, उनका पीछे वाला कमरा वहां से नहीं दिखता यार, ये नहीं जुड़ रहा यार, अब थोड़ी जुड़ेगा ये देखियो कैसे तोड़ रखा है, ये सारा तोड़ दिया यार, ये तो टूट के गिरी गए, उतरी गई तो सारा तोड़ दिया यार, यार गाड़ी से पता नहीं क्या दिक्कत है उन्हें। ओए कहाँ भाग रहा है, भाग क्यों रहा भाई, भाग रुक 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 है, कुत्ता था
अरे भाई ऐसे कितने खंडर हैं यहाँ पे, तू भी कुत्ते के पीछे भाग रहा, पागल है यार। मेरे को ना धुंध में दिखा नहीं थी क्लियर क्या था, और मेरे पास कुछ झलक दी तो मैं भाग लिया। भाई यहाँ पे धुंध एक इतनी ज्यादा हो रखी है भाई, इधर उधर तो काफी देर से ढूंढ लिया और कोई नहीं मिला, और भाई धुंध में कुछ दूर दूर तक का दिख भी नहीं रहा। चले भाई अब क्या कर सकते हैं, क्या करेगा तू बता, ये गाड़ी छोड़ जाते हैं, इन्हें तोड़ ले भाई, फोड़ ले, जो करना कर ले, ये गाड़ी से पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या दुश्मनी है इनको। हम आईडी सबको पता चल चुकी है उसकी, अब देखते हैं उसका क्या सीन होता है। हाँ उसका नाम भी तो नहीं जाए, क्योंकि भागता तो हमने इसको ही देखा है, यही था क्या, तोड़ के तो नहीं भाग गया तुम, ऐसा भी लठ मैं आपके सिर में मार सकता हूँ अभी क्या। हाँ बट ये बात भी है, ये लठ तो इसके पास तो था नहीं, ये तो लॉजिकल बात तो कर ले हमारे साथ, उठा ले मैं डाइट भी नहीं ली, ऊपर से अब मेरे पे ब्लेम कर रहे हो तुम, है तो तेरे लिए ये मजाक हो रहा है। अब ये देखिए अब ये कितने का ये खर्चा, 10,000 बात है यार, इसमें मैं तो सच बोल रहा हूं भाई, आगे की बॉडी का ये खर्चा है यार, आगे की बॉडी तोड़ दी, ये पीछे की बॉडी तोड़ दी भाई, मैंने तो तोड़ी। अरे ये ईट उठा के मार देता पीछे वाले का, वो ऐसे गिर जाता, तूने मूवीज देखी नहीं क्या? मैं हाथ में ईट लेके भागूंगा वहां से, मैं इतने दूर से भाग के आया उनके पीछे, वो तो मेरे को आवाज सुन के काजू बादाम खाने बंद कर दे, तेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे को डाइट भी नहीं ली मैंने जिम से, ऐसे कैसे भूखा उठा के लग रहा तू भाई। सुबह सुबह गाड़ी तुड़वा ली है और अब चलते घर पे, घर वालों की डांट सुनते हैं, और क्या बतानी है घर वालों को कि गाड़ी तुड़वा लाए सुबह सुबह, गाड़ी तुड़वा लाए और भाई धुंध में गाड़ी टक्कर लग गई, और ये सही बात है, गालियां तो फिर भी पड़ेंगी ना भाई, अरे कम तो पड़ेंगी यार, और ये वीडियो तो वो देखेंगे नहीं है ना। अरे बात तो सही है, वीडियो तो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद कोई नहीं, वीडियो देखने के बाद ये सोचेंगे कि हाँ भाई हम तो सेफ है ना, गाड़ी को ही तो दिक्कत हुई थी, अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं, उस टाइम पे आना पड़ेगा, धुंध नहीं होगी, अंधेरा नहीं होगा, थोड़ा दिन में आना पड़ेगा एक बार यार, ये सेफ भी तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए आने का मन भी नहीं करता, तो पता नहीं कब तक कैसे ही रहेगा, वही तो यार, और ठंड में तो अभी और दिक्कत होगी। सो गाइस अभी तो अनुज और विवेक को छोड़ने आए हैं, ठीक है भाई, पहले कोशिश कर लेते हैं इसको थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए, अरे कंपनी में दिया यार, कंपनी में ठीक करवा लो, वहाँ चल ठीक है, ओके बाय, ठीक है भाई अनुज, मिलते हैं फिर। बस विवेक और अनुज को तो छोड़ दिया, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और घर पे जाने के बाद मेरे को काफी ज्यादा गालियां पड़ने वाली, क्योंकि भाई घर वाले मना करते रहते हैं कि ऐसी जगह पे नहीं जाना नहीं जाना, पर हम फिर भी जाते हैं पंगे लेने के लिए, और भाई काफी ज्यादा मैसेज भी आ रखे थे आपके कि अड्डे पे क्यों नहीं जा रहे, भाई उन बंदों ने मैसेज कर रखा था इसलिए हमें जाना पड़ा, और भाई वहाँ पे जाके नुकसान हो गया काफी ज्यादा, तो इस वीडियो को मैं यही एड कर देता, क्योंकि घर पे जाने के बाद घर वाले गालियां सुनाएंगे फिर मूड खराब हो जाए, वीडियो एंड नहीं कर पाऊंगा, तो इस वीडियो को यही एड कर देता कि सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है अलबादी का, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।